हेलो दोस्तों नमस्ते। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज जो पेपर में न्यूज आया हुआ था कि बिहार टीईटी में जो अभ्यर्थी पास है फेल है या फिर जिनका रिजल्ट जो है इनवैलिड कर दिया गया था उन सब का रिजल्ट जारी किया जाएगा, आज पेपर में ये न्यूज आया हुआ था। साथ ही ये भी कहा गया था कि बिहार बोर्ड का अध्यक्ष ने कहा है कि पास अभ्यर्थी चाहे पास हो या फेल हो या इनवैलिड हो सबका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा, सब होंगे पास। भी जो है हिंदुस्तान पेपर में ये न्यूज हुआ था, आपने देखा ही होगा कि बिहार टीईटी का संशोधित रिजल्ट जो है 1 से 21 अंकों पर प्रकाशित किया जाएगा। आप ये बात सोच सकते हैं कि 1 से 21 अंकों पर यदि रिजल्ट जारी होगा तो कितना प्रश्न जो है गलत हो सकता है। जो कि ये न्यूज दिया गया था वो जो है न्यूज सही नहीं था और ये न्यूज जो है गलत था। उसी तरह आज जो न्यूज दिया गया है उसमें एक कंडीशन ये है, कहने का मतलब ये था कि बिहार टीईटी का संशोधित रिजल्ट जो है फिर से जारी किया जाएगा और उस रिजल्ट में जो है सभी अभ्यर्थियों का कॉपी जो है फिर से चेक होगा ओएमआर सीट को, चाहे वो संशोधित रिजल्ट जारी होने से पहले जो अभ्यर्थी पास कर गए थे इनवैलिड कर दिया गया था, क्योंकि जिस बेसिस पर रिजल्ट को जारी किया गया था बिहार टीईटी का उसका आंसर ही गलत था। दोबारा से ऑब्जेक्शन हुआ, उस आंसर की में सुधार हुआ, एक्सपर्ट कमेटी से जांच हुई, उसके बाद फिर से जो रिजल्ट जारी किया जाएगा उसमें सारे अभ्यर्थियों को फिर से कॉपी चेक किया जाएगा और सभी अभ्यर्थियों को उसका मार्क्स दिया जाएगा, इसी बेसिस पे रिजल्ट जारी होगा, कहने का मतलब ये था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को